Well, 48 hours to go and the Ramdev crisis, a crisis as the government sees it, shows no signs of abating. Let's listen in to what Baba Ramdev has said today. लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, इसलिए लोग तत्काल कार्रवाई चाहते हैं और निर्णायक कार्रवाई चाहते हैं। अब इतना बड़ा भयंकर आक्रोश है पूरे देश में, तो उसको हम आक्रोश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप अपनी पूर्व की रैलियों में भी ये कहते रहे हैं कि 2014 में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देश में होगा और असत शक्तियां जो हैं वो खत्म होंगी और सत्य की जीत होगी। इस पूरे मूवमेंट को क्या उस दृष्टिकोण से रिलेट करके देखा जाए? 2014 में नहीं, अब 2011 में परिवर्तन हो जाए। हमारा जो अभियान है, हमारा आंदोलन है, यह सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। सत्ता चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई देश के साथ धोखा गद्दारी ना कर पाए। और जिन लोगों ने देश के साथ धोखा किया है, देश को लूटा है, देश के साथ गद्दारी की है, उन सबको जवाब और हिसाब देना पड़े। ऐसी जवाबदेह व्यवस्था, ऐसी जवाबदेही राजनीति की तय करना, वो काम मुझे लगता है पहला हमारा जो था टारगेट 2014 का, अब वो युग परिवर्तन की संधि का काल 2011 ही बन गया है। बाबा एक सवाल, अन्ना ने हालांकि आपका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पीएम को लोकपाल बिल के दायरे से बाहर होना चाहिए। भाई मैंने पहले भी कहा था और अभी भी मैं दोहरा रहा हूँ उस बात को, मैंने पीएम को बाहर और भीतर रखने वाली बात नहीं की। मैंने बात की कि एक न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च व्यक्ति, एक लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति, उन दोनों को लोकपाल के दायरे में रखना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए, पूरे देश में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। ये मैंने इतनी सी बात कही थी। उसको अब अपने अपने ढंग से कोई जो है प्रस्तुत करता है, उसके लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। एक सवाल, वर्तमान की मांगें की हैं, कई सारी मांगें लोग समर्थन कर रहे हैं, कई सारी मांगों को बारे में कह रहे हैं कि सब क्या सभी व्यवहारिक मांगे हैं, सभी प्रैक्टिकल मांगे? एक भी मांग ऐसी बताइए जो अव्यवहारिक हो। ये जो फांसी की सजा देने वाली बात है, मान लीजिए 2000 कोई घूस ले रहा है, नहीं 2000 के लिए नहीं होगा। हमने कल गवर्नमेंट से भी बात की, आप पब्लिक से बात कीजिए ना। लोकतंत्र में तो सबसे बड़ी ताकत देश की जनता होती है, आप जनता से बात कीजिए। जिन लोगों ने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ का घोटाला किया है, देश के लोग क्या चाहते हैं? आप पूछिए कहीं पर भी जाकर के। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, नहीं अरे ये बात आप कहीं पर भी पूरे देश में पूछ लीजिए। तो हमने कल ये कहा कि भाई सामान्य अपराधों में सामान्य दंड, अब आर्थिक अपराध भी तो एक अपराध है ना। अब किसी को की हिंसा, अब किसी को चाटा मारना ये भी अपराध है, किसी को गाली देना ये भी अपराध है, और किसी का कत्ल कर देना ये भी अपराध है, किसी के का हाथ काट देना ये भी अपराध है। तो हर एक की धारा अलग बनी हुई है। तो आर्थिक अपराध में भी हजारों या लाखों करोड़ के घोटाले करने वालों को फांसी मिले। मैंने ऐसा जब कहा तब सारे मंत्री महोदय भी कहने लगे, हाँ बात तो बाबा जी ठीक है, लेकिन माहौल कुछ पूरी दुनिया में ऐसा बन रहा है। मैंने कहा 70 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरते हैं देश में हर वर्ष, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। जो लोग परोक्ष रूप से 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार गुनहगार है, उनको क्या सजा मिलनी थी? 70 लाख लोग जो गरीब लोग हैं वो मरते हैं, वो किसी को नहीं दिखता। एक भ्रष्टाचारी फांसी पर चढ़ता है तो कहते इसको बचाओ, क्या वो धरती पर स्वर्ग लेकर के आएगा? क्यों बचाओ उसको? जो बाबा आपने मांगे कि फिजिबल होने की बात नहीं, जैसे उसमें हजार